आज हम देखने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट एंड सार सूप की रेसिपी। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल लेना है। उसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट। इसे 2 मिनट तक सौते करना है। फिर डालेंगे 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 प्याज बारीक कटा हुआ और 2 मिनट तक सौते करना है। फिर डालेंगे 1 कप फाइन चॉप किया हुआ गाजर, 1 कप ग्रीन कैप्सिकम, उसे भी फाइन चॉप किया है, 1/2 कप फाइन चॉप किया हुआ प्याज पत्ता और 1 कप बारीक कटा हुआ गोभी। फिर 4 बड़े कप स्टॉक वाटर डालना है। इससे सूप में काफी अच्छा टेस्ट आता है। इसे मिक्स करना है। फिर डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टेबलस्पून और मिक्स करना है। फिर बचे हुए जो प्याज पत्ते थे उसे भी इसमें डाल देना है। मिक्स करना है। फिर इसे 2 मिनट तक बॉईल होने देना है। अब एक बोल में लेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और उसमें 2 टेबलस्पून पानी डालकर इसकी स्लरी बनाएंगे। इस स्लरी को सूप में डालना है और इसे 5 मिनट तक बॉईल करना है। कॉर्नफ्लावर से क्या होगा कि सूप में अच्छी सी बाइंडिंग आएगी और थिक भी होगा। फिर इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और नमक स्वादानुसार और इसे 5 मिनट तक वापस बॉईल करना है। बॉईल होने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक बोल में सर्व करेंगे और गार्निश करेंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियन से। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।